हेलो फ्रेंड, वेलकम है आप सभी का हमारी न्यू वीडियो एंड ब्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बट ठीक हूँ ठीक नहीं भी हूँ, क्योंकि जब बात आती है लड़कियों पे, गर्ल्स पे, महिलाओं पे, तो फिर आवाज़ सबको उठानी चाहिए, वो भी एक साथ। कोई लड़की दर्द में पीड़ित है, करा रही है, कुछ भी है, प्रॉब्लम है, तो हम सबका हक बनता है कि हम सब साथ खड़े हों। और मैं बात करने वाली हूँ, आप लोग थंबनेल देख के पहचान गए होंगे कि क्या हो रहा है ना आजकल। सपना को लोग बहुत बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। क्यों? उसका जीने का हक नहीं है, वो मतलब वो जी नहीं सकती। उसकी वीडियो में लोग इतने गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं ना। सपना सिस्टर जो हमारी दी हैं, सिस्टर हैं, कुछ भी हैं, एक महिला हैं, तो हमारा हक बनता है, हम सब उनके लिए लड़ेंगे। उनके साथ राजवीर, उनके पति जो राजवीर थे पहले, मतलब दोबारा दूसरे वाले पति, फर्स्ट पति सूरज जी, तो सूरज जी ने सपना जी को बहुत मारा, बहुत मारा। वो बेचारी शहमी देवी, लेकिन उनकी बातें रोज क्रोधी जाते थे, रोज लोग रहते थे कि हर चीज उनको जीना मुझे, उनकी छोटी छोटी बच्चियां हैं। अब क्या कह रहे हैं, सपना को सपना की सास ने घर से निकाल दिया। इतने मरने के बाद भी पति का पीछा नहीं छोड़ा। मरने के बाद यदि चलो मान लिया, हाँ सूरज जी नहीं है, ठीक है, उसके बाद यदि माँ भैया सास ससुर हर दिन उसी बात को कुरे देंगे ना, तो एक मतलब सोए हुए सैनी को कहते हैं ना जगाओ ना, तो वो जगाने वाली बात होगी। कितना दर्द सहेगी, आप सब ऑडियंस जितनी भी सपना के सब देखते हैं कि कितना दर्द सह रही है। और कह सपना की सास ने घर से निकाल दिया, ये इसकी कुंडली में दोष है, ये सबको खा जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके पास चैनल, उसके पास इतनी ऑडियंस है, इतने प्यार करने वाले, हम सब सपोर्ट करने वाले, हमारी पूरी इंडिया की महिलाएं उसको सपोर्ट करेंगी। और जो भी जिसको करना, जो भी हेटर्स हैं दो चार, जो भी करना है कर लो, क्योंकि सपना दी बहुत अच्छी है। और जो यही बात तुम्हारी बहन बेटियों पर बीती गई ना, तवक्कल ठिकाने आएगी। और रही बात अंशु की, अंशु ने मतलब गद्दारी जो की है ना, गद्दारी नहीं की, क्योंकि वो बहुत प्यार करती है, दबाव में आके कुछ भी है, क्योंकि अंशु दो तीन दिन से नहीं किसी का फोन, अलका दी ने फोन किया और लखन जी ने फोन किया, किसी का फोन नहीं रिसीव करे, भाई का फोन रिसीव नहीं कर रही, किसी की वीडियो नहीं आ रही, तो ऑडियंस के मन में डर बैठा है, कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ है। जब से सपना सिस्टर की वीडियो क्लिप वायरल हुई और उन्होंने बोला था, कुछ लोग कह रहे हैं कि फेक वीडियो, तो फेक वीडियो फेक आवाज भी हो सकती है क्या भाई? और फेक वीडियो सपना क्यों बनाएगी, वो भी अपने घर वालों के खिलाफ? ये कोई सपना नहीं है, ये देखो मैं दिखाती हूँ, इस कमरे में बंद थी मैं, सपना ने खुद बताया। यदि किसी ने आप वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं, रुको मैं दिखाती हूँ आप सभी को, सुन लो। जिन फ्रेंड्स ने नहीं देखी वीडियो देख लेना, गला बंद करके मारा, ये कोई और नहीं बोल रहा, सपना बोल रही है। जब आप पे आएगी ना तो आपको भी पता लगेगा। अब ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना रहे हैं कैसे कैसे मारा है, ठीक है, तो आप लोग देख लेना जिन्होंने भी नहीं देखा, ठीक है। तो ये सपना जो लोग कह रहे हैं फेक वीडियो है ना, तो जब तुम्हारी बहन पे पड़ेगी तब भी बोलना फेक वीडियो है। तो सपना के साथ जो भी फ्रेंड्स खड़े हैं, तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर करना और अपनी राय जरूर देखना, और हमारी बहन को हिम्मत दो थोड़ा सा लड़ने की, क्योंकि उसकी छोटी छोटी बच्चियां हैं। थैंक यू सो मच, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर करना।